अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल समी। आप देख रहे हैं अहमियत ग्राफिक डिज़ाइनर चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है बिजनेस कार्ड डिज़ाइन। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। एक रेक्टेंगुलर टूल लें, इसको हम साइज़ दे देते हैं विड्थ इसकी 3.5, लेंथ इसकी 2.0। ये बिज़नेस कार्ड का साइज़ हो गया। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं शेप को, इसकी पेस्ट कॉपी वाली शेप को नीचे ले आते हैं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से टूल सेलेक्टेड पर क्लिक कर दें। अब पेन टूल लें, एक क्लिक इस कॉर्नर में करें, इससे थोड़ा सा आगे इसी लाइन में, एक क्लिक यहाँ पर और एक नीचे, यहाँ से एक क्लिक नुक्कर पे और इसको इसके साथ मिला दें। उसके बाद फिर आपको पेन टूल ही यूज़ करना है, एक क्लिक यहाँ पर कीजिएगा, शिफ्ट दबाकर बिल्कुल के सामने क्लिक, शिफ्ट से ये होगा कि आपकी लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। उसके बाद एक क्लिक नीचे और एक क्लिक यहाँ पर, इसको इसके साथ मिला दें। इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। आपको फिर पेन टूल लेना है, पेन टूल ले क्लिक यहाँ पर करें, फिर इसके ऊपर लाइन पे एक क्लिक यहाँ पर करें, एक यहाँ पर और इसको इसके साथ मिला दें। तो ये हमारे पास दो शेप्स बन गई हैं। अब इसको हम कलर ऐड करेंगे, तो इसमें ये कलर ऐड कर रहा हूँ, इसमें ये वाला, इसमें ये वाला, तो इसके ऊपर ये वाला कलर ऐड कर दिया। अब मैं इन शेप को सेलेक्ट करके इसकी आउटलाइन रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं इस सारे को सेलेक्ट करके शेप को थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ। ओके, तो आपको लोगो ऐड करना है, तो कंपनी का लोगो यहाँ पे ऐड करना होता है, तो मेरे पास एक लोगो पड़ा, मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट, इसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। और लोगो को सेलेक्ट करके बॉक्स को इसको ठेस से एंटर कर लेता हूँ। ये लोगो ऐड करने के बाद आपको कंपनी नेम इसके नीचे लिखना होता है, तो मैं टेक्स्ट टूल लेकर यहाँ पे आपको यहाँ पे कंपनी नेम ऐड करना है। मैं इसको बोल्ड करके पूरे को सिलेक्ट करके वाइट कलर दे रहा हूँ। अब मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको सिलेक्ट करके लोगो को सिलेक्ट करके इसके सेंटर में कर देता हूँ। अभी दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ओके, उसके बाद हम इसकी कॉपी ले लेते हैं, एक इसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। और कॉपी वाली कॉपी को हम नीचे ले आते हैं, इसको हम अब हम कॉपी और लोगो वाले नेम का कलर चेंज कर देते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा। ओके, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे आइकन ऐड करने हैं फ़ोन नंबर के, ईमेल के और लोकेशन के। फिर मैं आइकन ऐड इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने आइकन ऐड कर लिए हैं। तो अब मुझे इसकी सेटिंग करनी है, मैं एक और लाइन ला के यहाँ पे रख रहा हूँ सेटिंग के लिए। तो मुझे फ़ोन वाला आइकन ऊपर रखना है सबसे, तो मैं पहले फ़ोन वाले आइकन की सेटिंग कर लेता हूँ और छोटा कर लेते हैं इसको। उसके बाद ईमेल का आइकन, इसको भी छोटा कर लेते हैं।
उसके बाद लोकेशन का आइकन को भी छोटा करके इसके साथ एडजस्ट कर लेता हूँ। और इनको तीन को सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब आपको फ़ोन की जगह फ़ोन नंबर ऐड करना है, तो मैं फ़ोन नंबर ऐड कर रहा हूँ। इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ और इसको 12 पे साइज इसका रख के थोड़ा छोटा कर लेते हैं 8। तो ये नंबर लिख दिया यहाँ पे। इसको मैं कलर वाइट दे देता हूँ और इसको फ़ोन नंबर को सेलेक्ट करके फ़ोन के आइकन को इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। एक और लाइन इसके रख लेता ताकि ये बराबर यहीं से ईमेल का भी एड्रेस स्टार्ट हो। तो ईमेल का एड्रेस लिखते हैं यहाँ पे। आपने यहाँ पे अपनी ईमेल लिखनी है, इसको भी 8 पे बोल्ड और वाइट कलर, इसको भी सिलेक्ट करें और इसको भी सिलेक्ट करके इसके बराबर कर दें। तो और ईमेल को इस लाइन के बराबर कर दें। उसके बाद आपको लोकेशन लिखनी है, इसको सेलेक्ट करके 8 पर बोल्ड और वाइट कलर। यहाँ पे आपको लोकेशन लिखनी होती है, इसको सेलेक्ट करें आइकन को और इनको सेंटर कर दें। फिर लोकेशन वाली टेक्स्ट टूल को इसके बराबर कर लें और इसके बाद ये लाइंस डिलीट कर दें। यहाँ से 2 फीट पर क्लिक कर दें। आपको करने इसको थोड़ा सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर दें। ओके, अब आपको यहाँ ये ऊपर मैनेजर का साहब का नेम लिखना होता है, तो चलिए मैं नेम लिख रहा हूँ। आपको यहाँ पे जिसका बिजनेस कार्ड बना रहे होते हैं उसका नेम लिखना होता है। इसको मैं 16 पे रख के बोल्ड और वाइट कलर दे देता हूँ। इसको मैं इसके सेंटर में कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं अंदर की साइड, इसके बाद ग्राफिक डिजाइनर इसका मैं साइज छोटा कर लेता हूँ। इसका साइज मैं 6 रख रहा हूँ। तो इसको इसके नीचे ले आए थोड़ा सा बड़ा इसके बराबर करके, इसको भी वाइट कलर दे दें। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर लें और इसको सेलेक्ट करके इसके सेंटर में कर दें। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। और इसकी CDR फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।